हाय माधवन, दिस हियर। हाय। इसमें ऑर्गन डोनेशन की बात की गई है, तो उस पर किस तरीके से इम्फेसिस किया गया है और ये क्या लोगों को कुछ जागरूक भी करेगा उस बारे में? हाँ, जैसे मैंने तो ऑलरेडी अपने आप को ऑर्गन डोनर रजिस्टर कर दिया था कुछ 10 साल पहले, और मुझे लगता है कि अगर इसके बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी कि अगर एक इंसान की वजह से 5 लोगों को ज़िंदगी मिल सकती है, अगर लोगों को अब पता चलेगा कि जापान और फ्रांस जैसे देशों में ये कंपलसरी है, और इसके पीछे में जो मिथ है कि लोग समझते हैं कि अगर आपने ऑर्गन डोनेट किया तो आपकी अधूरी शरीर जो है वो स्वर्ग नहीं जाएगी, ऐसे थोड़ी थोड़ी जो गलत फहमियाँ हैं इसको हमने एड्रेस किया है इस फिल्म में। और हम इसे बढ़ावा देने के लिए नहीं बना रहे थे, हमारी पूरी कोशिश ये थी कि एक अच्छी कहानी बनाएं, पर इसके दौरान एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि कोई इस नेक काम को मतलब कोई बाधा ना पहुंचे, और अगर हो सके हमसे हमारी तरफ से तो सम सॉर्ट ऑफ एनकरेजमेंट ज़रूर मिले। तो वी वर कम्प्लीटली कॉन्शियस, टेक्निकली हमने बिल्कुल सही चीज़ें की हैं, पूरा रिसर्च करके सबसे पूछ कर किया है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये जो मूवमेंट है ऑर्गन डोनेशन का इस पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। नमस्कार। नमस्कार माधवन जी, मैं अल्ताफ शेख बॉलीवुड बबल से। सबसे पहले आप सबको शुभकामना देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अल्ताफ। मैंने आपको तोहफा कबूल करते हुए देखा है, कहते हुए देखा है, ये आपके फैंस के लिए एक बहुत अच्छा तोहफा है। मुझे लगता है अलग अदाकारी आप कर रहे हैं, गंभीर अदाकारी आप कर रहे हैं। मुझे याद आता है अनिल कपूर की जो सीरीज थी 24 और अमिताभ बच्चन जी की जो युद्ध थी, तो उस तरह से कुछ किरदार मिलता जुलता लग रहा है। तो आप उस तरह की अदाकारी से अब इस तरह की अदाकारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने कैसे अपने आप में बदलाव किया? क्या आपने किसी से टिप्स लिए या उनके जो किरदार हैं वो आप पर कुछ प्रभाव कर गए हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं उतना मतलब काबिल एक्टर नहीं हूँ, अपने आप को समझता हूँ कि मुझे उन लोगों के साथ कम्पीट करने का हिम्मत भी हो, क्योंकि चक्कर ये है कि भाई साहब ये बहुत डरावना एक एक्सपीरियंस है हर एक एक्टर के लिए, क्योंकि जो भी काम मैं करता हूँ और जो मुझे लगता है कि जिसके साथ मैं जुड़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो एक अलग किस्म की जगह बना दे मेरे लिए इतिहास में, तो वो एक मतलब मेरे लिए वो कीड़ा है। पर जब मैं काम करने लगता हूँ तो सर बहुत डरा लगता, मुझे कभी कभी तो ये लगता है कि भैया मैंने इंजीनियरिंग छोड़ के क्यों एक्टिंग की, ये खौफ हो जाता है। इनफैक्ट आपको पता है फर्स्ट डे जो है हम जब जाते हैं और हमें लगता है कि सारे स्पॉट बॉय, सारे असिस्टेंट्स, सारे कॉस्ट्यूमर, जितने भी लोग सेट पे ना वो देख के मेरे एक्टिंग पे मुझे हंस रहे हैं। मुझे लगता है कि यार मैं अपने असिस्टेंट को बोल रहा हूँ देख यार किसी को मतलब कोई जोर से तो नहीं हंस रहा मेरे काम पे, ये लेवल का डर होता है। तो और ख़ास करके अगर आप पूछोगे कि इसका फ़ायदा क्या है, मैं आपको फ़ौरन बोल दूंगा कि मुझे फ्राइडे आफ्टरनून में और क्रिटिकल रिव्यूज़ की वजह से मेरी फिल्म वीकेंड में न चलने की जो डर है वो नहीं है इसकी वजह से। तो ये कलेक्शन की बात नहीं है, इस में वो तो एक एडवांटेज है, वो एक ब्रो आप भूल रहे हो मैडी सर, रिव्यूज़ तो यहाँ भी आएंगे। नहीं नहीं भैया, रिव्यूज़ तो आने ही हैं, आनी भी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ फ्राइडे इवनिंग कलेक्शन से मेरा मार्केट गिर जाएगा ये नहीं होगा। ये मुझे स्ट्रेस नहीं, मेरी मार्केट ही नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके बहुत सारे दोस्त हैं अदाकार, तो किसी से आपने टिप्स वगैरह लिए हैं, किसी से बात की कि मैं इस तरह का किरदार निभाने जा रहा हूँ, या मयंक जी ने आपको किस तरह से गाइडेंस किया कि ये इस तरह से निभाना? यार अब जब आप ये कह रहे हो तो मुझे लग रहा है कि मुझे कर लेना चाहिए था, मैंने किया नहीं, डरा रहे हो आप मुझे, लेकिन मैंने पूरा भरोसा मयंक पर रखा था। आई थिंक जब भी मैं कोई फिल्म सेलेक्ट करता हूँ तो मैं डायरेक्टर के साथ बहुत रोमांस करता हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि उनको गुस्सा कब आता है, वो कब हार मान लेते हैं, कब छोड़ देते हैं, या फिर अपनी बातों पे डटे रहते हैं। तो ये सारी जानकारी के साथ ही मैं हाँ बोलता हूँ, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस ये था कि मयंक वॉज समबडी आई वुड लव टू सबमिट माई सेल्फ कम्प्लीटली टू, विच इज़ व्हाट आई डिड ड्यूरिंग द शूट। हाय माधवन, रसल हियर फ्रॉम मूवी फाइड। हाय। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट द एंटायर टीम, द ट्रेलर ट्रूली लुक्स ऑन पार विद द ब्रेकिंग बैड्स एंड डेक्स्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू। Okay. Also, my question to you is, you had started in the South and you had done some great films with Mani Sir and all.
And along with the time with Vijay, Ajit, you all were along at the same boat at that time. But then you started doing some work in Bollywood while they concentrated solely in the South. And today they are like Thalapathy and Thala and all. Do you think so by alternating between Bollywood and South, some or another, you today, you were not in the competition for a superstar like they are today? Yeah, I am totally in agreement with you. It's Thala and Thalapathy, and they all have titles in the South. And superstar itself is a title. They wanted to give me a title, but I said no. They're very offended that I didn't want a title. Wow. They had all sort of titles. But I'll tell you one thing. My only biggest award in my life is after 20 years, I'm still playing the main leads in the kind of work that I want to do. And I'm known from as Maddie Paji, Maddie Bhai, Maddie Bhaijaan, Maddie Anne, Maddie, all over the world. I think that is, I'm trying to show off, but I'm just saying that's an award that very few can claim. What was the title they wanted to give you, if I may ask? Punnagai Mannan, which means the king of smiles. Okay. And Sapna, my next question is to you. Before this, you had also done 24. You were Anil Kapoor's daughter over there. Do you think so that the TV is giving you a better opportunities as compared to Bollywood? You're doing such absorbing work over here. No, I simply choose a role that I like, anything that I feel is going to challenge me, or anything that I'm going to enjoy working on, basically. I don't think the platform matters. I think, particularly on Breathe, for example, I think the web series, the original series, it's more convenient for us, I mean, the audience to watch as well. We actually put in the same amount of work. I don't think the work differs depending on the platform. But in terms of choices, it's just the role, and I'm so glad that Mayank and Vikram, you know, allowed me to be a part of this, because this is definitely one of the best roles I've done, and very different. So whatever comes next, doesn't matter what platform it's on, as long as it's good. I think we've got time for two more questions. Is that right? Yeah, two more questions. Hi, my name is Jigar. I'm from Mumbai Live. My question is to Amit, Sapna, and Maddie, sir. The script caters a lot. I mean, it's around psychological thriller, but you have two kids on the sets, and how sensitive were you when in terms of delivering something or keeping your script not really safe from them, because they don't really get affected with the kind of words and the kind of content that needs to go in? I think we were very sensitive about this, even in our communication as actors and as, you know, as co-actors amongst ourselves. I think there's a certain environment that has to be created when you have children around. Again, our director, Mayank, Maddie sir, Sapna, all of us, we were very, very sensitive and aware of that. And I'd like to hope that our star had fun working with us. And yes, I think we really took care of it. Correct me if I'm wrong, but I think we made it into a completely PG-13 sort of a film, so there is no smooching scene or gory faces jumping out, things that you cannot see with the family. That's not there in this series at all. It's a completely family viewing above the age group of 13, simply because of the nature of the subject. But but if it was to go for a censoring on the thing, it would have been a U certificate, I think. Yeah. One more question to Sapna and Amit. This series is actually coming in two other languages. One is Tamil and the other is Telugu. And Maddie sir has been in Tamil and Telugu for a really long time. So dubbing must have been probably easy for you. How difficult was it for you to adapt to another language? Or yeah, so Sapna took 1.5 years for that accent. I took about 300 days. Out of the 300 days, Mayank was writing. Sorry, 600 days. We were listening to him backstage. 600 days that he was writing. I worked on my Tamil, and all I want to say to you is Nanu Nai Kathalikkiren. Thank you so much. Yeah, I was about to say, actually, you know, you need to repeat the title that was given to Maddie. That nobody can. But jokes apart, and not to mislead the audience, it's been dubbed in Tamil and Telugu. We've not spoken with our original languages. Hi, Mayank. Thank you. Hi, Mayank. Straight. Hi. Hi. Hi, Mayank sir.
Mayank, I want to ask you is, when we watch psychological thrillers or thrillers, especially in the long format, the element of a cliffhanger sort of hooks the audience to come back for more episodes. Like, now, you said that this is not a mystery, murder mystery as such. It's not a whodunit. So how did you go about keeping that when you're scripting the story to make sure there's a hook, like keep the carrot hanging for the audience? Oh my God. That's why 600 days. So that was the most crucial part. Because the format is such of 8 episodes, and above that, we are not releasing all 8 episodes together. So we had that in mind, 3 episodes and then 1 episode every week. So for that, you know, you really need to push the level of writing, push the level of intelligence. You can see the visuals, they're dramatic, they're larger than life. But the kind of planning, the detailing, the unexpected turns, the unpredictability of Danny Mascarenhas and Kabir Sawant, that's going to really make it very, very engaging. Even the characters don't know what's going to happen next. And same journey the audience is going to follow. That I'm very sure of. Though you know the motive behind it. But next moment kya hone wala hai, wo breathless moment hoga for even the audiences. Mary sir, there's a strong emotional track beneath the thriller. And was there any particular scene or a moment where you had like a difficult scene which got emotionally very difficult for you to either act it out or process? I think I cried twice on the set. So there was a moment, not even a single line, not even a single dialogue. Danny is just lying next to Josh and making him go to sleep. And he's just looking at him. So we rolled the camera. He started performing, just a silent shot, and I couldn't say cut. And so after once, you know, somebody, mera AD was like, ki sir, ho gaya, bahut ho gaya. And jab cut bola, to not even, I was really, tears were really rolling down. And I just panned my eyes and my DOP, my, you know, lightmen standing there, they all got so emotionally moved with that particular moment. So there are many moments like that. Sorry. Smile ke saath maarte bhi hain. You're very kind. Yeah, but it was very well written. But all I will tell you is, I've done 67 films. Yeah, and as an actor, the only thing that I think Amit, me, we all want to be is in front of the screen. But I'm telling you, I had to do scenes in this film that I never thought, I would be given an opportunity to do. I mean, especially my scene with Neena ma'am, you know, there is in the 7th episode, I wish I could tell you about it, but I can assure you everybody in the world would have written a different script for that. Silence wouldn't have been one of the things, or one line that sums up the entire relationship between the mother and the father. I dug my teeth into it. I don't know if I'm talking too much and whether the people will hate it or not. There is a possibility of that too. But at the moment, I'm super excited about the kind of scenes that I got to do on a web series. That's the last, I'm not going to say web series. I'm not supposed to say web series. Digital content on Amazon Prime Original. So it was just, I mean, I'm so glad I did it. I'm very excited about it. And same goes the few moments with Kabir, you know, though trailer says about just a cop who's, but there's a lot more to it. So there's a very strong emotional connect to Kabir Sawant also. Beep. Spoiler alert. Anyways, when Mayank was on stage, Amit was like buzzer, buzzer, buzzer backstage. Sambhal lo usko. Hi Madhavan. Hi. Ravi from ABP News. Hi. Madhavan, aapne माधवन आपने शुरू में बताया कि आप रिलक्टेंट थे कि ये सीरीज करे या ना करे, ये नए माध्यम में आप आए या ना आए इंटरनेट पे वेब सीरीज के जरिए. मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि इन दिनों इंटरनेट जो है या जो इस तरह के वेब सीरीज जो हैं वो सिनेमा फिल्म से ज़्यादा और टेलीविजन पर जो शोज आते हैं उससे बेहतर कॉन्टेंट प्रेजेंट कर रहा है, व्यूवर्स के पास जा रहा है और व्यूवर्स ज़्यादा इंटरेस्ट इस तरह की वेब सीरीज़ और इंटरनेट में दिखा रहा है और सिनेमा में लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, टेलीविजन में इंटरेस्ट कम हो रहा है? क्योंकि अगर पिछले साल का रिकॉर्ड देखा जाए हिंदी सिनेमा का तो फुटफॉल जो है वो काफ़ी कम हुए हैं. बहुत अच्छी अच्छी फिल्में या बड़ी बड़ी फिल्में अगर अच्छी नहीं भी थी तो फ्लॉप हुई हैं. तो आपको क्या लगता है इन दिनों इंटरनेट या इस तरह की वेब सीरीज़ ज़्यादा बेहतर कॉन्टेंट दे रहा है, क्या आप कहेंगे?
तीन चीज़ें कहूँगा. एक तो जी हाँ, ये एक नया माध्यम है जहाँ ढेर सारे पैसे बनाए जा सकते हैं, साथ ही अलग कंटेंट और बहुत ही हाई लेवल के कंटेंट आपको देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ये कंटेंट देख रहे हैं, ये आपके जो व्यूअर्स हैं वो दुनिया भर के कंटेंट इसी माध्यम से देख रहे हैं. तो चाहे वो हॉलीवुड का सीरीज़ हो जाए या यू नो स्पेनिश सीरीज़ हो जाए या कोई और सीरीज़ हो जाए, उसके अगर आप लेवल के नहीं हैं तो ये फ़ौरन आपको जेटिसन कर देंगे, आपको मतलब बर्बाद कर देंगे. दूसरी बात यह है कि इस माध्यम में फ्यूचर बहुत बहुत ही ज़्यादा है. मुझे लगता है कि जितने डिजिटल स्मार्टफोन्स और जितने डिजिटल एवेन्यूज़ हैं इस कंट्री में, अभी तक उसके 3-4% भी हमने अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं किया है. जहाँ तक फिल्मों की कहानी बात रही, वो तो हमेशा ही था कि अगर कंटेंट अच्छा नहीं है तो पिछले 6 साल से तो यह हमने कई बार देखा है कि पिक्चर चलती नहीं है, भले ही उसके जितने भी आप पब्लिसिटी कर लें या दिखा दें. क्योंकि मुझे लगता है कि अब जैसे मैं पहले कह रहा था कि एक कंटेंट की काबिलियत होनी चाहिए कि ये स्क्रीन पे दिखाई जाए, और एक आम आदमी मजबूर हो जाए पूरे ख़ानदान के साथ जाकर फ्राइडे मॉर्निंग जब आप उसकी नौकरी चल रही होती है या उसका काम चल रहा था, इसके बावजूद वो पूरे फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ थिएटर में जाए और एक ऐसी कंटेंट को थिएटर में फ्राइडे को देखे. ये बहुत ही बड़ी एक बैरियर है, जो कि वो अगर पूरे यू नो जैसे विक्रम कह रहे थे कम्युनिटी व्यूइंग एक्सपीरियंस करना चाहता है, तो उसके लिए किस टाइप की हम ट्रेलर या पब्लिसिटी बनाते हैं और क्या उसे मजबूर करते हैं हम फ्राइडे को आकर देखने के लिए. अगर वो फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं देखता है तो हमारे लिए तो वही कहानी ख़त्म हो जाती है. सो दैट वो क्वालिफिकेशन जो है आजकल बहुत ही स्ट्रिक्ट होने लगा है. तो आई डोंट थिंक इट्स बट आई थिंक कि एंटरटेनमेंट बढ़ रहा है. आई थिंक हो सकता है कि फुटफॉल्स कम हो बट द रेवेन्यू इज़ मोर, एंड जो फिल्में अच्छी थी वो पैसे ज़रूर कमाई हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी. एक छोटा सा सवाल और था कि इन दिनों तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में काफ़ी उथल पुथल है, कमल हासन और रजनीकांत जी आ रहे हैं, ऐसा ही आपके कोई totally unrelated. इसे आप किस तरह से देखते हैं और क्या आपके भी कोई पॉलिटिकल हमारी सीजन 2 की कहानी है, आप क्यों बता रहे हो? देखिए अभी तो ये लोग शुरू ही कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो देश और जो स्टेट के लिए अच्छा है अगर वो हो तो एवरीबडी इज़ वेलकम. अगर आपकी नीयत ये है कि आप लोगों को सर्व करें, अगर आप पॉलिटिक्स में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि हमारे अमेरिका में जो हमारे बराक ओबामा थे वो 42 ईयर्स में प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बने, तो अगर यंग लोग आ जाते हैं और अगर इनको मार्गदर्शक अच्छे मिल जाते हैं तो और स्टेट के लिए अच्छा होता है, दे शुड कम, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दे हैव टेकन दीज स्टेप्स. I am not politically inclined, for those of you who are asking me. I am not. I am an actor, yaar, and I see that as my prime job all my life. I will do whatever good I can in whatever form I can, but I don't think I need endorsement in the form of a politician to do the good in the society that I need to do. So that's very clear, that I am very clear about. मधुबन, आप खुद इस तरह के वेब किसी वेंचर में खुद प्रोडक्शन के रूप में, प्रोड्यूसर के रूप में जुड़ना चाहेंगे? कोई आपके दिमाग में कोई आइडिया है अगर आप करना चाहें कोई वेब सीरीज? मेरी परफॉर्मेंस देख के ब्रीथ में इतने खुश है कि मुझे लॉन्च करना चाह रहे हैं. इन्होंने कहा ये तो इतनी बार लॉन्च हुआ है तो अभी तक कुछ हुआ नहीं, मैं लॉन्च करूंगा अच्छे से. अच्छा, ये अमित अक्सर कहते हैं पर यकीन मानिए बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, और मेरे को इनके साथ जितना मज़ा आया काम करने में, उसके साथ मुझे एक प्रॉब्लम हो गया क्योंकि हम इस वेब सीरीज़ में तो दुश्मन हैं, और इनके साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट सीन्स करने में प्रॉब्लम ये थी बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम. जहाँ तक प्रोड्यूसर बनने का सवाल है, मुझे लगता है कि मेरा टाइम आ गया है कि अब मुझे हमेशा मैं फिल्म्स को सेटअप करता था, कहानियों को सुनकर जो लोग उसके साथ जुड़ने चाहिए उन्हें तय कर कर एक प्रोजेक्ट बना तो देता था, फिर मैं एक्टर बन जाता था. अब मुझे लगता है कि एक और कदम आगे बढ़ना चाहिए. सो मुझे लगता है कि ये वो कदम मैं इस साल ज़रूर लूँगा. जॉनर क्या होगा, कोई सब्जेक्ट आपके दिमाग में हो? जी हाँ, एक बायोपिक है. स्ट्रेट आपके गोल्ड के बारे में कुछ बता सकें अगर आप, क्या किस तरह गोल्ड के दाम जो है पिछले दो हफ्ते में बहुत बढ़े हैं, तो आप लोग वापस गोल्ड खरीदना शुरू कीजिए. सीरियस नोट पे प्लीज बिटकॉइन मत कीजिएगा, आप बता सकें बिटकॉइन मत कीजिएगा, इट्स नॉट रियल, काफी महंगा है वो. क्या बोल रही थी? वर्किंग एक्सपीरियंस जो आप शेयर कर सकें. मैं एक अगर आप आज्ञा दें, ब्रीथ की जो टीम है, मयंक के सारे एडीज सामने खड़े हैं, शिवाजी सर, रोहन जिन्होंने कास्टिंग की, सुबू आर डीओपी एंड हिज टीम, आर ऑल द होल टीम इज देयर, इफ यू कैन जस्ट गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम.
And I think we've got one last question. With due respects, मैं इतना कहना चाहूँगा, हम सब ने बहुत मेहनत की है ब्रीथ के बारे में, अगर बात करें तो बेटर रहेगा. जब उस चीज़ का वक्त आएगा मैं आपसे 3 दिन नॉन स्टॉप बात करूँगा. Lovely. I will be the host. Vijay, this question is for you. Vijay, hi. Bijoya here from AdGully. What's the content strategy for 2018 and special focus on the regional space, regional language space? Regional language space. What about that Kannada film? don't distract me. जब तुम लोग इसको ले रहे थे, मत लो इसको. You know, it's that's a great question because you know it's really early hours of day one for us. We've just about gotten started, and our true north really is customer preferences, both existing and evolving ones. All right, and so when we got started off, you know, we looked at what customers in India pretty much enjoy. We looked at what we can serve them well with, and what we need to create. And Originals is really a strategy that was born out of creation. We have the most latest and exclusive and popular films, both in Hindi as well as 4 other regional languages. Besides US features, US TV and kids content. We will expand regional. We understand the local preferences are very strong. It's just a question of, you know, doing that in a planned manner. And so we will be unveiling a lot many more steps to our regional content strategy in the next 12 weeks, in terms of which other languages we will be taking a step into and what formats. So watch this space, what I can tell you. Thank you. Hi. I think this would be the last question, if that's okay. No. There's one question here. Yeah. After you. Yeah, you are the last question. Yes, please. Oh, can I go ahead? Of course. Yeah. Hi, everyone. Firstly, congratulations on this gripping trailer. My question is for Madhavan. Actually, I have two. I'll run them quickly. One is the fact when you played a character in Vikram Veda, your character was slightly idealistic. I mean, he saw things black and white. And in Breathe, your character is slightly gray. And you did mention that your shooting coincided. So how did you switch on and switch off? Yeah, so that was a tough thing, yeah, because you're, I'm very glad that you saw both and see the problem that I was faced with. The look was the same because I couldn't change because of the continuity. Of course, it was a short film. Short film to shoot in terms of duration, as far as Vikram Veda was concerned. But it was tough. I swore I'll never do that again because, you know, there was one place where I was being an alpha male, my voice was different, my, you know, body language was completely different. And there was another place where I'm trying to play a weakling with a quirk. And it is not a smart thing to do. But I think that was a great phase in my life because I think Vikram Veda also did really well. And I'm of the opinion that this is, if not better, equally good. Wow. And if Vikram Veda, I mean, is anyway in talks for a Hindi remake, who would you like to see in the movie? Some actor who will give us great date and has a horrible, and has an enormous market. What am I saying? Any names specifically? No, I think it's too premature for me to talk about it. I don't know whether I'll be doing it also because it's actually a burden of love more than a creative call. So I've always shied away from remaking my own stuff in a different language except for Anhaya Tere Dil Mein. So it's actually, but I can assure you that it's getting made this year for sure. Well, thank you. Thank you so very much for all your questions. Some incredible participation from your side. But ladies and gentlemen, before we say goodbye, please stay with us as we re-invite on stage the connecting cast and crew who's here with us this afternoon. So could we please welcome back on stage Neena Kulkarni, Hrishikesh Joshi, Shishwara, Kali Prasad, Anuj. Please join us. Please join us back on stage. This has been an incredible journey. Ladies and gentlemen, needless to say, mark it on your calendars. The first 3 episodes of Breathe will be live for you to stream on any screen close to you on the 26th of January, exclusively on Amazon Prime Video in 3 languages, Hindi, Tamil, and Telugu. And this brings us to the end of our trailer launch. You watched it twice. Please do not forget to share the word, spread the love, spread the positivity, because you
really don't know how far you would go to save the life of the ones you loved. Thank you, everybody from the media and press, for joining us. We've got refreshments that are served outside. Please be a part of this incredible journey. This engagement has been truly valuable. My name is Kubra Seth, and I would thank you all for making your presence felt. And thank you for breathing with us. Ladies and gentlemen, hold your breath. Breathe is going to be live very soon in the next 10 days. Thank you, everybody. Have a lovely afternoon. Thank you, everybody on stage. Wish you all the very best. Thank you.